जीवर जी और सब मन उपस्थित हमारे अतिथि में हमारे सब जनप्रतिनिधि मन आस पास के गांव का है सब साथी मन सब रामायण मंडल के सब सदस्य मन साथ ही जन यात्रा में लेके रामाराम से और पूरे घर चौके से जिन आए हैं सब साथी मन बाइक रैली में जिन आए जिन सब संगवारी मन सब अधिकारी और कर्मचारी मन और साथ ही पत्रकार साथी मन सरकार के दो साल हो है और कौशल्या माता के कोरा में आज हम सब बैठे हैं पूरा मंत्रिमंडल के साथी और सब अधिकारी मन छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है भादो के बरसे और माता के परसे। यदि भादो के बरसात में खेत नहीं भरी तो समझ ले फसल नहीं हो और माता के परसे से कोनो नहीं आ गई काकरो पेट नहीं भरी तो समझ ले जिंदगी भर कबू संतुष्ट नहीं हो सके। आज माता कौशल्या के कोरा में बैठे हैं माता कौशल्या छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी और छत्तीसगढ़ के आदमी कैसे बहुत सहनशील बहुत उदार और बहुत ही संतोषी। यदि माता कौशल्या के आज चरित्र देखो कोई भी परिस्थिति हो माता कौशल्या विचलित नहीं हुए कहां भगवान राम के राज्याभिषेक होने वाला रही से माता कई कई वरदान के माध्यम से जब भगवान राम लग वनवास के आदेश करवाते दशरथ जी से माता कौशल्या कहूं विचलित नहीं हुए। जब राम जी वन गमन पर आदेश ले रहे तभो आशीर्वाद ही दी उस समय होकर जिन व्यवहार है बहुत संतुलित जिन भगवान दशरथ जी की जिन आदेश है तेला पालन करे पर कोई प्रकार के संकोच माता को कौशल्या नहीं करे तो माता कौशल्या के चरित्र और छत्तीसगढ़ महतारी के उकर नोनी बाबू मन के चरित्र में आज भी हम समानता देखते हैं। हजारों साल बीते के बाद भी हमारे छत्तीसगढ़िया मन बहुत संतोषी बहुत सहनशील बहुत उदार। तो भगवान राम के चरित्र गढ़े पर उकर व्यक्तित्व गढ़े में माता कौशल्या के सबसे बड़े योगदान हर परिस्थिति में सम रहने वाला राज्याभिषेक हुई तो कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई वही ऐसा कोई बात नहीं। अब वनवास के जब आदेश हो गए तब अगर मन में कोई दुख या क्षोभ नहीं रही सभी पाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम किया जाता हर परिस्थिति में सम रहे के भगवान राम ये बात का जाना थे वनवास होते तो जंगल तो दूसरों जगह रही दूसरों को जा सकते लेकिन आई तो छत्तीसगढ़ है काबर के वैसे भी कोई भी लड़का हो ममा गांव सब ले जाता फ्री माँ बाप नाराज हो जाते तो ममा दाई के घर जाते आते भगवान राम सर्वाधिक समय हमारे छत्तीसगढ़ में बीते हैं उकर अनेक जगह रह के हमारे प्रमाण मिलते वो सब जगह चिन्हित करके वो विकसित करे के काम पर्यटन कैसे बढ़े हमारे संस्कृति हमारे पहचान कैसे विश्व मानचित्र में आए फिर हमारे प्रयास छोटे से प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में लोगन पहली कहा जाना है पहले भिलाई सिल्तान के बाहर में जावे थे छत्तीसगढ़ कहां वो भिलाई सिल्तान में जाना थे छत्तीसगढ़ नहीं जाना थे फिर राजमणि तो नक्सली मन के नाम से छत्तीसगढ़ जाने
बस रायपुर एयरपोर्ट में रेलवे स्टेशन से उतरबे तो सीधा नक्सली मन धरी। हमर मन के पहचान ऐसे हो गई, लेकिन ये 2 साल हो गए हमर मन के पहचान अब बदल गए। नक्सली मन के नाम से नहीं जाना है, समृद्ध किसान मन के नाम से जानते। ये प्रदेश किसान मन के प्रदेश ओकर कारण से जाने जाते। ये प्रदेश गौ सेवक मन के प्रदेश, गोधन न्याय योजना हमन लागू करे पूरा हिंदुस्तान में चले बढ़िया जी चौबे जी केस सामरा दस जी केस एक से बढ़िया व्यवस्था दूसर जगह नहीं मिले। ये हमार पहचान के हमना न केवल त्रेता युग के बाद हमना जनता के सामने लाना चाहता, लेकिन भगवान कृष्ण जिन गौ पालक के नाम से जाना दृह से जाने जात्री से जिन गौवा से रात्रि गाय से रात्रि से ओकरो सेवा हम गौ माता के सेवा कर रहा था वो युग के पहचान हमार मन के काम के माध्यम से हमार मन के पहचान होते। हमार जिन पहचान है तेरा आदिवासी मन के काम से वनवासी मन के काम से हमार पहचान है। ये साल तो कोरोना आ गए, नहीं पिछले साल हमार जीत भगत अत शानदार कार्यक्रम करे जैसे विश्व आदिवासी दिवस के साथ साथ आदिवासी नृत्य महोत्सव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कम हो तो हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हो। कल दुर्गाशीदास जी की जयंती वो बहुत शानदार ढंग से मन मनावो। हमारे प्रदेश में कबीर पंथी मंदिर थे, हमारे प्रदेश में शिरपुर के बौद्ध कालीन जैन स्थान है नालंदा के बाद सबसे बड़े परिसर हमें लहूल विकसित करे के हमें यह बताना है कि हर युग में हर परिस्थिति हर काल में छत्तीसगढ़ के अपन विशेष महत्व रहे और आज भी छत्तीसगढ़ के विशेष महत्व है। कोरोना काल में देश में आर्थिक मंदी लगे हुए आर्थिक कमजोर हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी के असर नहीं हुए। ये छत्तीसगढ़ के किसान मन बता दे, हम यहाँ मजदूर मन काम करके बता दे। आज देश में आप देखो राजधानी किसान मन घेर के बैठे है 20-22 दिन हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, किसान अपन धान बेचत थे समर्थन मूल्य मिला थे, कोई प्रकार के संतोष नहीं है। तो आज भी रास्ता बताया कि काम छत्तीसगढ़ ही करत है। यदि छत्तीसगढ़ के किसान नीति ने कहा अपना ले भारत सरकार तो आंदोलन कल वापस हो जाए। ये छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में का चीज नहीं है, ये ला हमारे दुनिया के सामने लाना है। हमार संस्कृति हमार परंपरा बहुत उच्च कोटि के है और हम सब लोग साथ में लेके चलना चाहते हैं। कोई भी धर्म हो कोई भी जाति हो जिन हजारों साल से निवास करते सैकड़ों साल से जिन निवास करते वो सब लोग समेटते हुए हमें लेके चलन। यही हमार परंपरा है, यही हमार संस्कृति है। हमार जिन संस्कृति है जिन प्यार बांटे के नफरत फैलाए हमार संस्कृति नो है। हमार वही काम लगन कर धन जैसे कि अभी कही ना राम के नाम तो सब जन लेते। राम जब किसान खेत में मेहनत करते थक के चूर हो जाते तब ओकर मुंह से निकलते राम। मजदूर जब मेहनत करते ओकर माथा में पसीना आते, वो पसीना में जब थक के चूर होते तो भगवान राम के नाम लेते हे राम। कोनो बीमार पड़ते तब राम ले याद करते, जैसे 24 दिन बताई तक कोनो मिलते तब राम पे थे। हमार राम तो जन जन में व्याप्त है, लेकिन कई जन मर राम के नाम लेते काल निमित्त तक ले भी कर महाराज काल निमित्त तक नाम ले रही से वो जो स्वर्ण मृगरी से तेनो राम के नाम ले रही से और आज जे मन वोट और
नोट बटोरना चाहते वो उमर नाम के नाम दे और हमर देश के जो सबसे बड़े नेता जो राष्ट्रपिता के सन महात्मा गांधी के ई मन है जिन गोली मारे नहीं से तहो पर मुंह से निकली सब राम हमला राम राम के बारे में सिखाए गए जरूरत नहीं है हमर राम है इन गरीब के किसान के मजदूर के जन जन के राम है साकार राम है निराकार राम है हम सब रूप में राम लभस्थल पर मन में है कण कण में है राम लेकिन ये मना स्वार्थवश राम के नाम ले थे ये मन जब दू सीट पे सब समती ना तब वो मतलब राम की सुरता से होकर पहली राम की सुरता नहीं रही थी ये मना स्वार्थवश ले थे हमन स्वार्थवश ले रहा आज माता कौशल्या के पूरा मां है हम तो ही प्रार्थना करबो कि माता के कोरा मां कोनो छत्तीसगढ़ में भूखा न रहे कोनो छत्तीसगढ़ में प्यासा न रहे सब सब आगे बढ़े सबके शिक्षा सबके स्वास्थ्य सबके रोजगार मिले ई माता कौशल्या से प्रार्थना करते हुए आप सब लोग प्रणाम करते हुए अपन वाणी में विराम देता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय छत्तीसगढ़ बोले श्यामल रामचंद्र की बोले माता कौशल्या की छत्तीसगढ़ माता री की धन्यवाद आपके बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमर मुखिया हमर प्रदेश के और इतना सुघर आप अपन वक्तव्य दे हो आप मंच के सामने जिन अतिथि मन है आपसे निवेदन कि अभी कार्यक्रम के समापन नहीं हुए हैं अभी हमन स्मृति चिन्ह भेंट करबो हमारे राज के अतिथि मन ला तो आप सब अपन स्थान में बने रहो और बिना विलंब करे मैं आमंत्रित करता हूँ स्मृति चिन्ह हमारे राज के मुख्यमंत्री हमारे मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ला स्मृति चिन्ह देवर सचिव पर्यटन एसपी साहब और कलेक्टर रायपुर ला मैं संयुक्त रूप से आमंत्रित करता हूँ कि आप स्मृति चिन्ह भेंट कर हूँ मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम की।